नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोगिया। आपको बता दें कि अब दरियां बिछनी शुरू हो गई हैं। ये दरियां साहूवाला में बिछाई जा रही हैं NH9 पर। सिरसा से 200 के लगभग किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग थानों में भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने सिरसा में रोड को जाम किया। लेकिन अब किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है और आधे घंटे का समय सरकार को दिया, सड़कों पर दरियां बिछानी शुरू कर दी है। ये जो जत्थे आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जत्थे हर गांव से निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में शाम तक यहां पर किसान पहुंचने वाले हैं। किसानों का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि उनके 200 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब किसानों ने आधे घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। किसानों ने कहा है कि अभी सड़क आधी जाम है, लेकिन आधे घंटे बाद सड़क के दोनों हिस्सों को जाम कर दिया जाएगा। ये नारे जो आपको सुनाई दे रहे हैं, ये नारे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी हैं और बीजेपी सरकार की नींव खोदने के काम भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि कल उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आज उनके 200 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके अलग अलग थाना क्षेत्रों में भेज दिया। और अब पुलिस भी मुस्तैद है, लाठी और डंडा लेकर पुलिस मुस्तैद है, तो किसान भी झंडे का डंडा लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये नेशनल हाईवे NH9 है, जिसको किसानों ने अब रोक दिया है और इसी सड़क पर पड़ी ये चारपाई इसका बड़ा उदाहरण भी है। बड़े जाम करना पै गया क्योंकि साढ़े जो किसान साथी धरने के बैठे थे, करीब 200 बंदा है जो गिरफ्तार सरकार ने कर लिया। असी सरकार तो यही मंग रखते हैं भी सानू साडे साथी जो किसान भरा आगू साडे गिरफ्तार किए छे जा। अब आप देख सकते हैं कि इस माइक से साफ साफ शब्दों में ऐलान हो रहा है कि आधे घंटे बाद सरकार की नींव खोदी जा सकती है। इस अपडेट से जुड़े रहने के लिए, सिरसा के अंदर होने वाले इन आंदोलनों के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।